19 जनवरी 1981 अमेरिकी सेलर स्टीवन कैलाहन मिनी ट्रांजिट नाम की एक समुद्री रेस में हिस्सा लेते हैं, जिसमें उन्हें अटलांटिक महासागर को पार करते हुए कैनरी आइलैंड तक पहुंचना होता है। इसमें उनका साथ देती है उनकी खुद की बनाई हुई बोट नेपोलियन सोलो। अब क्योंकि एक सेलर होने के साथ साथ स्टीवन पेशे से एक नेवल आर्किटेक्ट भी थे, तो अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए स्टीवन ने खुद अपने ऊपर ही भरोसा जताया और 6.5 मीटर लंबी नेपोलियन सोलो को तैयार कर उस पर सवार हुए और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच जा पहुंचे। इस प्रतियोगिता के 3 पड़ाव थे, जिसकी शुरुआत अमेरिका के रोड आइलैंड से होनी थी, जिसमें पहला पड़ाव था बरमूडा और दूसरा इंग्लैंड। इन दोनों ही चरणों को स्टीवन बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी यात्रा तीसरे और अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही होती है, तभी अचानक बीच रास्ते में पहले तो मौसम खराब होता है और फिर स्टीवन की किस्मत भी, जब बोट में अचानक ही गड़बड़ी हो जाती है और इसका संतुलन बिगड़ने लगता है। हालांकि इस बाधा को तो वो जैसे तैसे करके पार कर लेते हैं और कुछ घंटों की रिपेयरिंग के बाद नाव फिर से काम करने लगती है। लेकिन अब यहाँ स्टीवन को ये लगने लगता है कि अब शायद उनकी परेशानियां खत्म हो गई हैं। लेकिन सच तो ये था कि उनकी परेशानियां कुछ समय के लिए टल जरूर गई थी, लेकिन खत्म अभी भी नहीं हुई थी। और मात्र कुछ ही घंटों के बाद स्टीवन की नाव जब कैनरी आइलैंड को पार कर ही रही होती है, तभी अचानक एक विशालकाय व्हेल नाव से टकरा जाती है और जो परेशानी अभी तक टल रही थी, अब वही स्टीवन की जान लेने पर उतारू हो जाती है, क्योंकि व्हेल का हमला इतना जोरदार था कि उसने नेपोलियन बोट को एक ही पल में ध्वस्त कर दिया। इस दौरान स्टीवन नाव के केबिन में बैठकर उसे चला रहे थे, लेकिन अचानक हुए व्हेल के हमले के कारण केबिन का दरवाजा अटक गया और स्टीवन उसी में फंसे रह गए। इधर नाव तेजी से गहरे पानी में डूबने लगी, वहीं दूसरी तरफ केबिन में फंसकर स्टीवन भी नाव के साथ गहरे पानी में चले गए। इस समय उन्हें ऐसा लगने लगा था मानो उनकी जिंदगी अब शायद कुछ ही पलों की मेहमान हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि स्टीवन काफी देर से जिस दरवाजे को खोलने का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके वो खुल ही नहीं रहा था। वो अचानक ही पता नहीं कैसे पर एक ही झटके में खुल जाता है और स्टीवन तुरंत केबिन से बाहर निकल जाते हैं और पानी के ऊपर आने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस अचानक हुए हादसे से स्टीवन बुरी तरह घबरा चुके थे, लेकिन उन्हें जल्द ही इस बात का भी एहसास हो गया कि अब वो बीच समुद्र में है और वो भी बिल्कुल अकेले बिना किसी जरूरी सामान के। तो स्वाभाविक ही ऐसी सिचुएशन में उनकी जान केवल उन्हीं के हाथों में थी। अब जो कुछ भी करना था वो उन्हें खुद ही करना था, इसलिए स्टीवन तुरंत ही नाव डूबने और उसमें फंसे रहने के सदमे से बाहर आ गए और नाव में मौजूद लाइफ बोट को ढूंढने लगे ताकि बीच समुद्र में वो अपनी लाइफ को बचा सके। लेकिन शायद अब वो समय आ चुका था जहां से स्टीवन का पल पल संघर्षमयी होने वाला था, जिसकी शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन समय के साथ साथ उनकी किस्मत बदतर भी होती जा रही थी। स्टीवन जो अभी कुछ ही देर पहले मौत के मुंह से बाहर आए थे, अब उन्हें नाव में मौजूद लाइफ बोट और जरूरी सामान को ढूंढने में भी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि रात के अंधेरे में समुद्र के गहरे पानी में डूबी हुई नाव में से कुछ भी खोज कर लाना लगभग असंभव सा लग रहा था। लेकिन स्टीवन ने काफी प्रयासों के बाद आखिरकार इस बाधा को भी पार कर ही लिया और मौत से जंग लड़ते लड़ते उन्हें जो कुछ भी नेपोलियन सोलो पर मिला, स्टीवन ने उसे अपनी एकमात्र सहारा बनी लाइफ बोट पर लाकर रख लिया। स्टीवन अपनी डूबी हुई नाव से एक फिशिंग रोड, खारे पानी को साफ करने वाला फिल्टर और एक स्पीयर गन लाने में कामयाब रहे थे। इसके अलावा जल्दी जल्दी वो जो कुछ भी खाने का सामान, जैसे पीनट, कुछ अंडे, फल, सब्जियां और पीने का साफ पानी इकट्ठा कर पाए, वो उन्हें अपनी लाइफ बोट पर लेकर आ गए थे। लेकिन अब उनकी नाव भी काफी गहराई तक डूब चुकी थी, ऐसे में अब दोबारा उसमें जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती, इसलिए स्टीवन ने जितना भी उनके हाथ लगा था उसी में सब्र करना बेहतर समझा। लेकिन अब यहाँ समस्या ये थी कि वो सामान केवल 2 हफ्तों तक ही चल सकता था, जबकि स्टीवन खुद ये नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ से निकलने में कितने दिन लगने वाले हैं। इसलिए स्टीवन ने ये ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, वो अपनी आखिरी सांस तक जिंदगी के इस संघर्ष को पूरा करेंगे। इसलिए नाव में रखे खाने को वो बस इतना ही खाते जितने में उनकी सांस से सलामत रहे। दिन यूं ही बीतते गए और अब स्टीवन को अटलांटिक महासागर में खोए हुए करीब 25 दिनों से भी ऊपर हो चुके थे। नाव में रखा खाने का सामान और पीने लायक पानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं दूसरी ओर दूर दूर तक चारों तरफ फैला विशालकाय समुद्र और सर पर नीला आसमान, और इन दोनों के बीच स्टीवन, ऐसे माहौल में उनकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि पेट भरने के साथ साथ उन्हें सही रास्ता भी ढूंढना था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी मौत तो तय थी। लेकिन उनकी बदकिस्मत की ये दोनों ही चीज अब उनसे काफी दूर हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, फिर उसे किसी भी बात का डर भी नहीं रहता। स्टीवन के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनमें अचानक ही एक नई ऊर्जा भर गई और उन्होंने कसम खा ली कि अब वो किसी भी तरह अपनी जान बचा कर ही रहेंगे। स्टीवन ने जिंदा रहने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाना शुरू कर दी। वो नाव में मौजूद फिल्टर से समुद्री पानी को साफ कर पीने लगे, फिशिंग रोड से मछलियों का शिकार करते और जब कभी भी बारिश होती तो उसका पानी इकट्ठा कर लेते ताकि समय आने पर उसे पी सके। पेट
भरने के लिए वो कच्ची मछलियों को खाने लगे। और भटके हुए रास्ते का पता लगाने के लिए स्टीवन ने जो कुछ भी किया उसे देखने के बाद तो भगवान को भी उन्हें दूसरा जीवन देने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल स्टीवन ने नाव में रखी एक पेंसिल से सेक्सटन नाम का एक उपकरण बनाया, जिससे आसमान में मौजूद उत्तरी तारे को देखकर ये पता चलता है कि बीच समुद्र में हम कहां हैं और हमें किधर जाना है। हालांकि इसका कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि धीरे धीरे 25 दिन 50 दिनों में बदल चुके थे और स्टीवन आज भी गहरे समुद्र के बीचों बीच कभी ना खत्म होने वाली यात्रा पर थे। लेकिन स्टीवन का आज भी जिंदा होना कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा था कि उनमें जिंदा रहने की उम्मीद अब भी बाकी थी, और अब तो वो इस संघर्ष के आदि भी हो चुके थे। लेकिन स्टीवन ये नहीं जानते थे कि जिस नाव से वो जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो भी अब उनकी जान के लिए खतरा बन चुकी थी। और इसका एहसास स्टीवन को तब हुआ जब एक शार्क मछली ने उनकी नाव पर अचानक से एक जोरदार हमला कर दिया। एक बार फिर एक शार्क के हमले से तो स्टीवन बच गए, लेकिन उनके चलते उनकी लाइफ बोट में एक छेद हो गया था, जिससे बोट में मौजूद हवा का दबाव तेजी से कम होने लगा। स्टीवन ने किसी तरह नाव को एक बार फिर से रिपेयर तो कर लिया था, क्योंकि शायद बदकिस्मती से भरे इस सफर में भी किस्मत अब भी उन पर मेहरबान थी। क्योंकि जब पहली बार स्टीवन को समुद्र में डूबी हुई नाव से बाहर निकलने और जरूरी सामान को इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब अनजाने में उनके हाथ में एक स्टेशनरी किट लग गई थी, जिसमें रखा हुआ टेप आज के दिन उनके काम आ गया। लेकिन जब स्टीवन नाव पर टेप लगा रहे थे तभी उन्हें वो वजह भी पता चली कि आखिर शार्क उन पर हमलावर क्यों हुई थी। दरअसल इन 50 दिनों में नाव के ठीक नीचे वनस्पतियों से भरपूर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका था, जिसे देखकर शार्क उनकी नाव की ओर आकर्षित हुई थी और उसने उन पर हमला कर दिया, जिससे स्टीवन किस्मत से बच तो गए थे। लेकिन समस्या इस बात की थी कि जो किस्मत हर बार उनको मौत के मुंह से निकाल लाती थी वो उन्हें हमेशा तब धोखा दे देती थी जब स्टीवन की नाव के आसपास से कोई दूसरा जहाज गुजरता, क्योंकि ये जहाज स्टीवन को नजरअंदाज कर वहीं समुद्र में मरने के लिए छोड़ जाते थे। इन्हीं सब के बीच अब तक करीब 2 महीने का वक्त बीत चुका था और इस बीच वहां से अब तक 7 ऐसे जहाज गुजरे थे जिन्हें खुद स्टीवन ने भी अपनी आंखों से देखा था। यहां तक कि नाव में मौजूद फ्लेयर गन को दाग कर उन्हें बचाने का इशारा भी किया था, लेकिन वो एक बार भी कामयाब नहीं हुए, जो उन्हें अंदर ही अंदर ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले वो अपनी नियति को नहीं बदल पाएंगे। दोस्तों, ये वही पल होता है जब इंसान जीवन में उम्मीद को छोड़ने लगता है, और उम्मीद एक ऐसी चीज होती है कि अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि 70 दिनों से ज्यादा एक इंसान समुद्र के बीचों बीच अपनी खराब किस्मत, विशालकाय मछलियों के हमले, समुद्री तूफान, भूख प्यास, हर एक चीज से लड़ रहा था, और ऐसे में अगर 7 बार मदद उसके बिल्कुल करीब से गुजर जाए तो स्टीवन की मानसिक हालत उस समय जो भी रही होगी ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अंदर से कहीं ना कहीं पहले ही मर चुके होंगे। अब तो बस जान निकलने की ही देरी थी। आखिरकार 75 दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद अब स्टीवन ने जिंदा रहने की उम्मीद भी पूरी तरह से छोड़ दी थी। लेकिन तभी 76वें दिन एक चमत्कार होता है। आखिरकार स्टीवन की मेहनत रंग ले ही आती है जब ग्वाडेलूप बंदरगाह पर कुछ मछुआरों को स्टीवन की नाव दिखाई देती है। मछुआरे नाव की हालत को देखकर ही समझ जाते हैं कि उस नाव में जो भी हो, जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे मदद की सख्त जरूरत होगी। और इस तरह 76 दिनों के एक भयावह संघर्ष के बाद 40 किलो के एक अधमरे व्यक्ति स्टीवन की जान कुछ मछुआरों के द्वारा बचा ली जाती है, जिन्हें वो लोग तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, जहां करीब 1 हफ्ते तक चले इलाज के बाद आखिरकार स्टीवन को होश आ जाता है। इस समय स्टीवन शारीरिक रूप से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति फिर भी गंभीर ही रहती है, जिसके चलते वो अपने संघर्ष को किसी से भी साझा नहीं कर पाते। लेकिन जब उन्हें ये एहसास होता है कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है, जहां पर उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होगा, ऐसे में क्या पता उनका ये एक्सपीरियंस किसी के काम आ जाए और शायद उनकी जिंदगी बच जाए। इसलिए स्टीवन अपनी पूरी आपबीती एड्रिफ्ट 76 डे लॉस्ट एट सी नाम की किताब में लिखते हैं, जिसे पढ़कर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे कोई इंसान इतने संघर्षों के बाद भी जिंदा रह सकता है। ये संघर्षमयी कहानी लोगों को इतनी पसंद आई कि उनकी किताब साल 1986 की बेस्ट सेलिंग बुक बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर कई शानदार डॉक्यूमेंट्रियां भी बनाई गई। और तो और, साल 2012 में आई ऑस्कर विनिंग फिल्म लाइफ ऑफ द पाई, वो फिल्म जो कहीं ना कहीं स्टीवन के संघर्ष से मेल खाती थी, उसको पर्दे पर असली रूप देने के लिए भी स्टीवन की मदद ली गई थी, जहां उन्होंने अपने 30 साल पुराने जानलेवा संघर्ष को साझा कर उस फिल्म में जान फूंक दी। इसके अलावा स्टीवन ने इस घटना के बाद एक ऐसी बोट भी तैयार की जो ऐसे माहौल में भी किसी व्यक्ति की जान तो बचा ही सके, साथ ही उन्होंने एक ऐसी राफ्ट भी तैयार की जिससे बारिश का पानी भी इकट्ठा किया जा सके और उसमें हवा का दबाव भी कभी कम ना हो पाए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको स्टीवन का ये संघर्ष पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।